सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वाकई में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्त अगर आपके पास यहाँ पे रेडमी फोन है, रेडमी कंपनी का फोन है या फिर एमआई कंपनी का यहाँ पे फोन है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे टाइपिंग करने में प्रॉब्लम होती है या फिर आपको यहाँ पे टाइपिंग करने में आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप अपने रेडमी फोन या एम आई फोन में दोस्तों आप बोल के भी आप टाइपिंग कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है रेडमी कंपनी ने यहाँ पे जो है इस फोन में अपडेट निकाल दिया है कि आप अब जो है आप यहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो है यहाँ पे टाइपिंग बोल के भी कर सकते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सएप हो या फिर यूट्यूब हो, यहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे दोस्तों, हाँ जी हाँ, आप दोस्तों यहाँ पे बोल के टाइपिंग कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो अपडेट है बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे रेडमी कंपनी वालों की तरफ से। तो चलिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको, और आपको यहाँ पे सेटिंग ऑन करके बताता हूँ, और आपको यहाँ पे बताता हूँ कि बोल के भी टाइपिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। सो फाइनल दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और दोस्तों आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो है अपनी टाइपिंग जो है यहाँ पे वॉइस के साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने व्हाट्सएप पे चला जाता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप पे जाने वाला दोस्तों यहाँ पे जो है मैं टाइपिंग को ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का यहाँ पे माइक का एरो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस देने वाला बटन को आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी माइक देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इसके बाद में इसको यहाँ पे चालू कैसे करते हैं, दोस्तों इसको यहाँ पे मैं सेटिंग में चला जाता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप से बाहर निकलने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है मैं इस सेटिंग में चला जाता हूँ, मोबाइल की सेटिंग में चला जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक थ्री डॉट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, एडिशनल सेटिंग। उस पर आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे लैंग्वेज एंड इनपुट पे क्लिक कर देना है। फाइनली क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो है मैनेज कीबोर्ड्स का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे दो जो ऑप्शन है यहाँ पे अनेबल है, तो ये गूगल वॉइस टाइपिंग, इसको आपको यहाँ पे अनेबल कर देना है, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे डिसेबल होगा, तो दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल इसको अनेबल कर देना है। अब दोस्तों मैं अपने व्हाट्सएप पे चल के बताता हूँ कि आपको यहाँ पे ये अनेबल हुआ है या नहीं हुआ। तो दोस्तों आप फाइनली इस पे देख नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे माइक का जो है निशान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे प्रेस कर, जैसे ही मैं करता हूँ दोस्तों यहाँ पे एक माइक ओपन हो जाता है। तो दोस्तों इस माइक में मैं यहाँ पे कुछ भी बोलूँगा तो यहाँ पे जो टाइप हो जाएगा वो बहुत ही यहाँ पे आसान तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे मैं बोल देता हूँ हेलो भाई कैसे हो, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है यार टाइपिंग लिखा हुआ आ रहा है कि हेलो भाई कैसे हो, ठीक है। तो दोस्तों आप भी अपने मोबाइल में इस सेटिंग को ऑन करके दोस्तों आप भी अपने मोबाइल में बोल के टाइपिंग कर सकते हो। ये तो मैंने व्हाट्सएप पे बताया दोस्तों, आप यहाँ पे इंस्टाग्राम यूट्यूब यहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप यहाँ पे बोल के टाइपिंग कर सकते हो। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इसमें जो है यहाँ पे लैंग्वेज भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस भाषा में यहाँ पे टाइपिंग चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश में कर सकते हो, यहाँ पे अदर कोई भी लैंग्वेज में आप इसमें यहाँ पे सेटिंग ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने, फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।